Assalamu alaikum viewers, this is Minhaaj. Once again we are back with another episode. Aaj main chah raha tha ki aapko brief kar dun personality test big 5 ke hawale se. Aksar question hota hai classrooms mein bhi, conferences mein, seminars mein ki aap aksar personality test big 5 ko refer karte hain. Is test ke andar hota kya hai, kis tarah se ye human personality ka analysis karti hai, कितना रिलायबल ये टेस्ट है, क्या इस टेस्ट का कोई इंसान की प्रैक्टिकल लाइफ से ताल्लुक है या नहीं है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको ये बता दूं कि इस टेस्ट के ऊपर पिछले 100 साल से काम हो रहा है। ना सिर्फ काम हो रहा है बल्कि इसके ऊपर बुक्स लिखी गई हैं और इसके जो रिजल्ट हैं उनको वैलिडेट करने के लिए दोबारा से स्टडीज़ हुई हैं, जिसने ये साबित किया है कि ना सिर्फ ये टेस्ट आपकी पर्सनैलिटी के बारे में एक्यूरेट प्रेडिक्शन देता है, बल्कि ओवर लाइफ टाइम यानी आपकी ज़िंदगी के साल गुजरते हैं, जिस तरह से आप लड़कपन के स्टेजेस क्रॉस करते हैं, आप मेच्योर होते हैं, आप बूढ़े होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ जिनको हम कहते हैं उसके थ्रू भी ये साबित हो चुका है कि अगर आपकी पर्सनैलिटी एक खास स्कोर है आपका डिफरेंट डायमेंशन के अंदर, तो ये स्कोर आपका 25 साल की उम्र में भी सेम रहेगा, 50 साल की उम्र में भी सेम रहेगा, 75 साल की उम्र में भी सेम रहेगा। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है उम्र के अर्ली स्टेजेस के अंदर, ताकि आप अपने आप को समझ सकें, खुद ही का आपको इतराक हो, आपकी जो वीकनेसेस हैं, स्ट्रेंथ्स हैं उनका आपको पता हो और आप उनके ऊपर अमल करते हुए अपना जो पेशा है, जो प्रोफेशन है वो चूज़ करें, अपने रिलेशनशिप जो हैं उनको चूज़ करें, अपनी कमियों के ऊपर मेहनत करें, अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए जो भी आपका प्रोफेशन है उसके अंदर आगे बढ़ें, क्योंकि ये बात रिसर्च ने साबित हो चुकी है ओवर एंड ओवर इन मल्टीपल स्टडीज़ कि अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन के अंदर हैं जो आपकी नेचुरल टैलेंट्स को यूज़ नहीं करता, तो ज़िंदगी आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगी। क्योंकि अगर आप अपने जॉब के अंदर बेहतर नहीं समझ जाते, अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं समझ जाते, अगर आप एक्सपर्ट नहीं समझ जाते, तो हमेशा आपको अपने जॉब का ख़तरा रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इस किस्म के आपकी जॉब के अंदर होंगे जिनका शौक ही वो है, जिनका पैशन वो है जो वो जॉब वो करें, और वो अपने काम को मोहब्बत समझ के करते हैं, आप अपने काम को जॉब समझ के करते हैं। तो जब किसी कॉम्पिटिटिव पोजीशन की बारी आएगी, जब प्रमोशन की बारी आएगी, जब एग्जीक्यूटिव प्रमोशंस की बारी आएगी, तो हमेशा वो लोग आपसे आगे बढ़े हुए होंगे। तो ज़िंदगी के 15-20 साल किसी ऐसे प्रोफेशन में लगाने के बजाय जिसके अंदर आपका कोई नेचुरल टैलेंट यूज़ नहीं हो रहा, आपको शौक नहीं है, आपको एक जॉब एक मुसीबत लगती है, सुबह उठना एक अजाब लगता है, तो उससे बेहतर यह है कि आप इस स्टेज के ऊपर ये फैसला करें कि आपके नेचुरल टैलेंट्स क्या हैं, इस टेस्ट के ज़रिए अपने आप को एक्सप्लोर करें, ऑनलाइन रिसोर्सेज पढ़ें, काफ़ी सारे टेस्ट हैं जिनके लिंक मैंने नीचे दिया हुआ, वो टेस्ट करके आप किसी साइकोलॉजिस्ट से, किसी करियर काउंसलर से, किसी प्रोफेशनल से आप मदद लें और ये जानने के कौन से कैरियर्स आपके लिए बेहतर रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आप ट्रेड एग्रीएबलनेस के अंदर यानी खुश मिजाजी के अंदर और लोगों के साथ कोऑपरेशन के अंदर आपका स्कोर हाई है, तो आप कोई ऐसा प्रोफेशन चूज़ करें जो ज़्यादा कम्पटिटिव ना हो। कॉरपोरेट जॉब्स, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के अंदर या बैंकिंग के अंदर आप वो जॉब्स मत करें, क्योंकि आप बुनियादी तौर के ऊपर एक रहमदिल और एक मिलनसार शख्स हैं, और ये खसूसियात कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर बजाते खुद एक ड्रॉबैक है, क्योंकि ये जो जॉब इंडस्ट्रीज हैं इनके अंदर इंसान को बहुत कारोबारी मिजाज का होना चाहिए, बहुत तेज़ और सेल्फिश और सेल्फ इंटरेस्टेड और नपतुला बात करने के आदि होना चाहिए इंसान को इन जॉब्स के अंदर। आप ये नहीं कह सकते, आप एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं लोगों के साथ, आप चाहते हैं कि सोसाइटी के अंदर एक हार्मनी हो, एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट हो, ये एनवायरनमेंट कोऑपरेटिव नहीं है, ये एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। तो आपको चाहिए कि आप किसी सोशल सेक्टर में काम करें, आप टीचिंग में काम करें, आप किसी एनजीओ के अंदर काम करें, आप किसी नर्सरी में काम करें, कोई ऐसा काम करें जिसका आपके साथ आपके मिजाज के साथ अंडरस्टैंडिंग। अगर आप ये नहीं करते तो आप यकीन कीजिए कि इन जॉब्स के अंदर आपके लिए इस टेस्ट के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि दोस्त की बुनियाद के ऊपर आपका कंपटीशन चलता रहेगा, दूसरे आपसे आगे निकलने की कोशिश में होंगे,
आप उनसे आगे निकलने की कोशिश में होंगे। और अगर आपकी प्रमोशन नहीं होती 5 साल 7 साल 8 साल तो आपके अंदर स्ट्रेस और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये बॉयल ओवर होकर आपकी फैमिली तक आएगा, आपके फैमिली परेशान होगी कि क्या वजह है कि आपको प्रमोशन नहीं मिल रही, आपकी सैलरी इंक्रीज़ नहीं हो रही, इन्फ्लेशन की वजह से आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे, फिर आपका अपना सेल्फ इमेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा मुतासर होगा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको पहले से सोचनी चाहिए कैरियर अडॉप्ट करते हुए, या अगर अब भी आप स्टेज के ऊपर हैं कि आप कैरियर स्विच कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, आपके पास बच्चे ज़्यादा नहीं है, फैमिली नहीं है, कोई और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आप ज़रूर कंसिडर करें अपनी जॉब स्विच करना। ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा कि जॉब स्विच कब करनी है, किस तरीके से करनी है, क्या चीज़ें उसमें देखनी पड़ी होंगी, और ये आपके इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेज भी हैं कि आप जॉब किस तरह से स्विच करेंगे और आपकी क्या प्रेफरेंसेस हैं। लेकिन दोबारा आ जाते हैं टेस्ट के ऊपर। जो टेस्ट है उसका नाम बिग फाइव टेस्ट है। इसको बिग फाइव इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 5 बेसिक ट्रेट्स होते हैं लोगों के, जिनकी वजह से जिनका तो स्कोर था 0 से लेकर 100 तक। अब 0 से 100 का मतलब ये है कि पहले मैं आपको ट्रेट्स बता देता हूँ। उसको कहते हैं ओपननेस, यानी आप कितने खुले दिमाग के मालिक हैं, आप डिफरेंट आइडियाज़ को, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को, नए लोगों को, नए कल्चर को कितनी स्पीड से अडॉप्ट करते हैं आप, आपके अंदर नई चीज़ें ट्राई करने का ज़्यादा शौक है, या आप चाहते हैं कि जो जिस तरह से चल रहा है, जो आपकी रूटीन है वो डिस्टर्ब ना हो, आप स्टेटस को बहाल रखने के हामी। उसके बाद कॉन्शियसनेस आ जाता है। कॉन्शियसनेस बेसिकली आपकी मुस्तकिल मिजाजी का एक पैरामीटर है कि आप कितना मुस्तकिल मिजाजी से किसी एक काम पे या किसी एक शौक के ऊपर आप वो काम कर सकते हैं। जितना लंबा आपके कॉन्शियसनेस का स्कोर ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल 70-80% है, मतलब 70% का मतलब ये है कि जितने भी लोग जिनका टेस्ट किया गया है इस पर्सनैलिटी के ऊपर एक ख़ास मुल्क के अंदर, एक ख़ास एज ग्रुप के अंदर, उनके अंदर से 70% लोगों से ज़्यादा आप मुस्तकिल मिजाज हैं, तो आपके स्कोर का ये मतलब है। एग्रीबलनेस के अंदर भी इस तरह से है कि एग्रीबलनेस का मतलब आप कितने हमदर्द और मिलनसार हैं और इकट्ठा में लोगों से आप मिल के काम करना चाहते हैं, आप कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, कोई कंपेटिटिवनेस आपके अंदर नहीं। उसके अंदर भी ये है कि अगर आपको 80 स्कोर है तो मतलब है 80% लोग जो आपके मुल्क में रहते हैं और आपके एज ग्रुप के अंदर उनसे ज़्यादा आपका स्कोर है। उसके बाद आपके एक्सट्रावर्जन आ जाता है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दो डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो घर से बाहर जाके लोगों से मिलने मिलाने का उनको शौक होता है। एक्टिव पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनको एनर्जी मिलती है लोगों से मिलकर, जितने ज़्यादा लोगों से बात करेंगे मिलेंगे उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा, उनको बेहतर मौक़े मिलेंगे, और वो जो है ना एक उनके अंदर बेचैनी से जिसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ना कि बंदा सुकून से कहीं बैठ नहीं सकता, ऐसे लोगों को एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। इसके अलावा इंट्रोवर्ट्स होते हैं जो अपने जो सोचने में किताबों में अकेले रहने को पसंद करते हैं, चीज़ों को सोचते हैं, उनके बारे में राय कायम करते हैं। ज़्यादातर जो प्रोफेसर हैं, शायर हैं, अदीब हैं, ग्रामर नवीस हैं, इस टाइप के लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम हालात को, ऑब्जर्वेशंस को, लोगों के अकवाल को, हिस्ट्री को एनालाइज करने में लगाते हैं। तो एक्सट्रावर्जन जो है ना एक और टूल है कि अगर आपका स्कोर इसके ऊपर 30 या 40 है तो इसका मतलब है कि आप 30% लोगों से ज़्यादा मिलने वाले हैं और बाहर जाने वाले हैं और लोगों को पसंद करने वाले हैं। आखिरी जो एक ख़ास इसका पैरामीटर है पांचवा, उसे कहते हैं न्यूरोटिसिज्म। बेसिकली न्यूरोटिसिज्म का ये मतलब नहीं है कि आप खुदा ना खास्ता जहनी तौर के ऊपर माजूर हैं। इसका बेसिक मतलब ये है कि आप स्ट्रेस कितने अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, आपका रिस्क टेकिंग बिहेवियर कितना है, कि मतलब आप कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं, आपको परेशानी तो नहीं होती कि यार ये चीज़ नहीं है मुझे नुकसान हो जाएगा, ये मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, या आप जो है नए नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने में जो है ना लग जाते, मतलब नेगेटिव फीलिंग्स जो है ना आपकी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होती, मतलब जनरली आपकी पर्सनैलिटी के अंदर नेगेटिविटी नहीं है, या जो एहतियात है वो नहीं है, जिसे परहेज़ करना कहते हैं वो नहीं है। तो जितना ज़्यादा आप कम परहेज़ करने वाले होंगे, या अपने डरने वाले नहीं होंगे, या नेगेटिव फीलिंग्स आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करती, तो आपके न्यूरोटिसिज्म के ऊपर जो स्केल है उसके ऊपर स्कोर बहुत कम होगा। तो न्यूरोटिसिज्म का ये स्केल एक बजात खुद प्रिडिक्टर है इस चीज़ का कि जो लोग न्यूरोटिसिज्म में कम होते हैं
उनके लिए लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत आसान होता है, उनके ऊपर रिस्की प्रोजेक्ट्स को लेना बड़ा आसान होता है, उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत आसान सब्जेक्ट है। लेकिन इन पांचों स्केल से जो डायमेंशन हैं इनके मिलाप से एक ख़ास पर्सनैलिटी बनती है। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर आप किसी एक ख़ास फील्ड के अंदर आपका स्केल के ऊपर स्कोर थोड़ा है तो किसी दूसरे स्केल के ऊपर स्कोर ज़्यादा भी हो सकता है, और इन पांचों का एक बैलेंस है आपकी जनरल पर्सनैलिटी प्रोफाइल बनती है, और उस प्रोफाइल की मदद से आपको यह पता चलता है कि लाइफ के अंदर कौन सी करियर चॉइसेस आपके लिए बेहतर रहेंगी, रिलेशनशिप वाइज कैसे लोगों के साथ आपका मिलना मिलाना उठना बैठना बेहतर रहेगा, कि वो आपको आइडिया दे सके जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जो फ्लॉज हैं या जो वीकनेसेस हैं या जो साइड्स जिनके ऊपर आपका स्कोर कम है, वो लोग जिनका स्कोर दूसरी उन्हीं पर्सनैलिटी ट्रेट्स के ऊपर काफ़ी हाई है, अगर आप उनके साथ मैच करेंगे तो ये आपका जो काउंटर पार्ट है ये जो आपकी डिस्कशन है बड़ी फ्रूटफुल होंगी, क्योंकि आपके अंदर जो चीज़ें नहीं हैं वो किसी दूसरे इंसान के अंदर हो सकती हैं। यही वजह कि दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ये हमेशा दो लोगों के मिलाप से बनती हैं, एक जो टेक्निकल साइड पे स्ट्रांग होते हैं और दूसरे जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग होते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप का भी यही मतलब नहीं है कि आप अकेले कुछ कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक ह्यूज टॉपिक है, एक बहुत बड़ा एवेन्यू है जिसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, ना सिर्फ आपको अपनी पर्सनैलिटी जिन चीज़ों में आप कमज़ोर हैं उस टाइप का आपका पार्टनर ढूंढना है या उस टाइप के लोग ढूंढने हैं जो आपको सही मशवरा दे सकें, फिर आपको टीम बिल्ड करनी है, फिर आपको अपनी पर्सनैलिटी के फ्लॉज का बताना चाहिए, आप रीजनली भी स्ट्रेस टॉलरेंट आप होने चाहिए, एक्स्ट्रा वर्जन आप ज़्यादा होने चाहिए, आपको लोगों से मिलना मिलाना नेटवर्किंग उठना बैठना माशरे के रिवाज सोसाइटी के नॉर्म्स ये सारों का पता होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन आपकी बड़ी हाई होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो आप उसे बंद कर दें फिर नए प्रोजेक्ट पे लग जाएं फिर नए प्रोजेक्ट पे लग जाएं, इस तरह से नहीं, आपको मुस्तकिल मिजाजी से काम करना पड़ता है। और उसके अलावा आपकी ओपननेस होनी चाहिए, आइडिया आपका बड़े क्रिएटिव होना चाहिए, दुनिया में कोई आइडिया कहीं ना कहीं इस वक्त दुनिया में हो रहा है तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या क्या आइडियाज़ दुनिया में चल रहे हैं, आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी YouTube के ऊपर रिसर्च, किताबों के ऊपर रिसर्च, लोगों से केस स्टडीज़ मिलना, इसके अलावा इंट्रैक्शन ये बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आपको नए आइडियाज़ आ सकें। फिर अगर आपका आइडिया यूनिक भी है उसके लिए आपको फंडिंग इकट्ठी करनी है, उसके लिए आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, एक्सट्रोवर्जन की बहुत ज़रूरत है, फिर आपकी जो एग्रीएबलनेस है वो भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप लोगों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते, अगर आप एग्रीएबल नहीं हैं, अगर आपको लोगों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं है तो भी ये बहुत बड़ा इशू बन सकता है कि आप कॉम्पिटिटिव तो हैं लेकिन कोऑपरेटिव नहीं है। अगर आप कोऑपरेटिव नहीं है तो फिर आप लोगों के साथ काम कैसे करेंगे, और अगर आप लोगों के साथ काम नहीं करेंगे तो आप अपना बिज़नेस किस तरह से सेटअप करेंगे या अपने रिलेशनशिप किस तरह से बिल्ड करेंगे या आप जिन लोगों के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं आप उनको रिटेन किस तरह से करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सब इंसानों के अंदर इकट्ठी हमेशा नहीं हो सकती, इसी तरह वजह से अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को ख़ास किस्म की गिफ्ट दी हैं और बाकी लोगों को वो गिफ्ट दिए हैं जो उनको नहीं दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दुनिया में ट्रैवल करने का मौका मिला तो मैंने ये चीज़ देखी है कि नेशनल प्रोफाइल्स भी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ लोग किसी ख़ास मुल्क के किसी ख़ास वजह से जाने जाते हैं, जैसे कि ये मशहूर स्टेरियोटाइप है कि जो ईस्टर्न लोग हैं वो ज़्यादातर खामोश और लोगों को और सोचने वालों को और तदब्बुर करने वालों को पसंद करते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर आउटगोइंग लोगों को ज़्यादा पसंद किया जाता है जो बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलने वाले और मिलने मिलाने वाले और हल्ला गुल्ला करने वाले लोग होते हैं, जिन्होंने रिस्क टेकिंग बिहेवियर इख्तियार किया होता है, जिन्होंने नई नई चीज़ें ट्राई की होती हैं। तो ये दो सोसाइटीज़ के नॉर्म्स हैं जो डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर लोगों को ऐसे लोगों को पसंद किया जाता है। अब इसी तरह से अल्लाह ताला ने जब ये गिफ्ट्स लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, डिफरेंट नेशंस को डिफरेंट गिफ्ट दिए हैं, आई क्यू स्कोर्स डिफरेंट हैं, पर्सनैलिटी टाइप्स डिफरेंट हैं, और अब जबकि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, आप यहाँ से बैठ के सारी दुनिया में किसी से भी इंटरनेट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो ये आपके लिए भरपूर मौका है कि आप ऐसे लोगों को इन्वाइट करें, ऐसे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करें, कोलैबोरेशन करें जिन लोगों के अंदर वो गिफ्ट्स हैं जो आपके अंदर लैकिंग हैं या आपको काउंटर पार्ट्स चाहिए। तो इस कोलैबोरेशन से भी बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलती है अपने बिज़नेस को नए लेवल पर लेके जाने के लिए, आइडिया जनरेट करने के लिए। तो ये एक ब्रीफ सा तारुफ था बिग फाइव मॉडल का जो मैं आपको देना चाह रहा था। उम्मीद है कि आपको थोड़ा आइडिया होगा हो गया होगा कि बिग फाइव को किस तरह से यूज़ करते हैं। जो टेस्ट लेने की वेबसाइट है वो मैं आप वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगा ताकि आप उसके ऊपर अपनी पर्सनैलिटी का आइडिया ले सकें। अगर आपको मज़ीद कोई हेल्प की ज़रूरत है आप मुझे मैसेज करें, मेरे सोशल
मीडिया के लिंक्स नीचे वीडियोस में दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसके अलावा आप मुझे यूट्यूब पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई आपका क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी कॉमेंट्स में दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके मैं आंसर्स दे सकूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फेसबुक लाइव सेशंस के अंदर भी आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता चल सके कि अब मेरा नया इवेंट आ रहा है, ताकि मैं आपको क्वेश्चन के आंसर दे सकूँ। थैंक यू सो मच।